ब्रेन इंजरीज बेसिकली क्या होता है कि माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी में डिवाइड होती है. इनको डिवाइड करने के लिए हमारे न्यूरोसर्जरी में एक स्कोर है जिसको हम कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल. तो ये ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है 3 से 15 तक का स्केल होता है. 15 स्केल मतलब आप और हम नॉर्मल जो लोग होते हैं जो सब तरीके से इंटैक्ट हैं, 3 मतलब ब्रेन डेड या डेड, ये स्कोर होता है. तो 3 से 15 के बीच में हमारी कैटेगराइजेशन आती है और उसी कैटेगरी के ऊपर से डिपेंड करता है कि वो कौन सी इंजरी है. मान लीजिए 3 से 5 या 7 तक जो होती है वो सीवियर हेड इंजरीज में आती है. उसमें बेसिकली होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, वर्बल कमांड को फॉलो नहीं करता है, पेन पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है. ये बेसिकली ये ग्लासगो कोमा स्केल है 3 चीज़ों पे बेस्ड होती है. आई ओपनिंग है, मोटर रिस्पॉन्स है मतलब हाथ पैर का चलना है, और वर्बल स्पीच. तो जो 3 चीज़ों में देखते हैं कि आई ओपनिंग पेशेंट की स्पॉन्टेनियस हो रही है या पेन देने पर हो रही है या बोलने पर हो रही है. ऐसी मोटर रिस्पॉन्स है कि पेशेंट अपने आप हाथ पैर चला पा रहा है या पेन देने पर चला रहा है या बोलने पर चला रहा है. ऐसी वर्बल है कि हमारी बात को जो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है. एक होता है कि हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या, उसने क्लियर कट बता दिया कि मेरा नाम XYZ है. और एक हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो सोच रहा है मेरा नाम क्या, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको इंजरी हुई है. या फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है कि सपोज का नाम विमल कुमार है तो कह रहा है मेरा नाम, मतलब तोतले में जवाब दे रहा है. तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी स्पीच एरिया में डैमेज हुआ है. तो बेसिकली ब्रेन इंजरीज को हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ग्लासगो कोमा स्केल इज द कीवर्ड. और ग्लासगो कोमा स्केल में 3 से 15 तक का स्केल होता है, जिसमें हम ये बता देते हैं जैसे 12 से 15 की जो रेंज होती है वो माइल्ड टू माइल्ड हेड इंजरी होती है कि पेशेंट को लगा और वो थोड़े दिन में 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा. 8 से 12 वाली होती है वो मॉडरेट होती है, तो उसमें पेशेंट रिकवर करने में टाइम ले सकता है. जो नीचे है 3 से 5 या 8 के बीच की है वो सीवियर हेड इंजरी है, उसमें जो है. और प्रोग्नोसिस भी हिसाब से बताई जाती है पेशेंट को. अगर मान लीजिए कोई पेशेंट 5 का स्कोर लेकर आ रहा है तो हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है अटेंडेंट को कि भाई अगर इसमें ऑपरेट भी किया तो पहली बात तो ऑपरेशन के लायक कुछ है कि नहीं उसके अंदर, और ऑपरेट करेंगे तो बचने की संभावनाएं कितनी होती हैं. यूजली जो 5 और 6 अराउंड के स्कोर के पेशेंट्स होते हैं उनमें मॉर्टेलिटी यानी बचने की संभावनाएं कम होती हैं, 20% से कम संभावनाएं होती हैं. यही 8 से 12 की ग्रेडिंग में चले जाएं तो उनमें से बचने की संभावना 30 से 50% तक बन जाती हैं. ये 12 से 15 हैं वो सेफ जोन में होते हैं, उनको 4-6 दिन की ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, बट उनकी सर्वाइवल रेट 80-90% है.